500 स्क्वायर फीट का घर का नक्शा, मतलब ये हो गया फ्रंट देखिए जैसे कि 20 फीट है और इस साइड आपका 25 फीट 500 स्क्वायर फीट हो गया। चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको। यहाँ से जैसे एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही आपको मिल जाता है हॉल, और हॉल के ऊपर आप जैसे देख रहे हैं स्टोर बना सकते हैं। और ये मेन एंट्री है, ये हॉल मिल गया। हम आपको जैसे दिखाते जाएंगे, छज्जा वहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये हॉल, यहाँ से मेन एंट्री है। और फिर और क्या मिलता है देखिए, जगह बहुत कम है, अपने ही जगह में सब कुछ बनाना है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया है कि देखिए यहाँ पे सेप्टिक टैंक बना दिया अपने एरिया में। ज़रा समझिएगा, जगह बहुत ही कम, 20 बाय सही सेप्टिक टैंक हो गया। सेप्टिक टैंक के ऊपर आप ज़रा यहाँ देखिए, यहाँ से सीढ़ी चढ़ने के लिए हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है बाथरूम हो गया, ये आपका कॉमन बाथरूम। तो एक हॉल, एक बाथरूम, इधर सीढ़ी, और इसके नीचे थोड़ा सा कुछ आप स्टोर बना सकते हैं। और साथ ही ये हो गया आपका किचन रूम, और ये एरिया जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं छोटा सा हॉल की डाइनिंग रूम, क्या कहते हैं, डाइनिंग एरिया को लेकर के जो है। ज़रा ध्यान दीजिएगा इसको, ये एरिया आपका डाइनिंग एरिया हो गया, ठीक है। और इधर पीछे जाने का एक रास्ता मिल जाएगा आपको, यहाँ पे डाइनिंग एरिया, इसके साथ इधर आपको क्या मिल जाना, किचन। ज़रा यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये हो गया आपका किचन, इस किचन या प्लेटफॉर्म बना बनेगा। और यहाँ पे आपका खिड़की हो गया, यहाँ किचन एरिया हो गया, और किचन के ऊपर देखिए आप ऊपर बेस्टर बना सकते हो। और एक जो है रूम आपका यहाँ मिल गया, मस्त ज़बरदस्त, ये बेडरूम आपका यहाँ पर मिल गया, और जो कि दो खिड़की के साथ में है आपका। और इस बेडरूम में भी जो आपका छज्जा एक दिया गया है। अब देखिए क्या है, आप इसको अगर चाहेंगे दो रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि अगर एरिया कम होता है तो ड्राइंग डाइनिंग लोग इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, उसको भी जो है आप रूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सीढ़ी, बाथरूम, किचन, एक बेडरूम, और ये इस हॉल को जो है आप इसमें एक बेड भी लगा सकते हैं। कॉर्नर साइड में बेड रहेगा और साइड में सोफ़ा भी रहेगा, तो ये आपका 2 इन 1 बेड के साथ एक आपका ड्राइंग रूम हो गया। कोई भी गेस्ट आता है तो आप आराम से रह सकता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका 20 बाय 25 में शानदार घर का वॉक थ्रू मैंने दिखाया। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर 25 की बात करें वहाँ से, तो वहाँ से लेकर के इस साइड आपको मैंने 25 फीट बताया था, और इधर से आपका 10 फीट, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आए ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट बस ये होता है जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आप लेकर आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।